हे गाइस, आज हम बनाएंगे पॉट, लिली के हैंगिंग पॉट। और उसके लिए हमने मिट्टी रेडी कर ली है। मिट्टी है बिल्कुल ही वेल ड्रेनिंग, क्योंकि वेल ड्रेनिंग मिट्टी में ही पॉट लिली का प्लांट बहुत अच्छे से फैलता है। तो हमने अपने सारे पॉट भर लिए हैं और अब हम अपने प्लांट को सेपरेट कर लेंगे। आप चाहे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं या रूट से ही सेपरेट करके अलग अलग पॉट में आप लगा सकते हैं। बोट लिली के रूट सिस्टम सैलो होते हैं, यानी कि इसकी जो रूट्स है वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है। ये हैंगिंग बास्केट और छोटे पॉट में बड़ी ही आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। बोट लिली को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसमें 15 दिन में भी पानी डालेंगे तो भी ये बिल्कुल ही आसानी से सर्वाइव करेगा। और इसको 5 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखिएगा, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा।